Hi guys, welcome back to ILM Academy. And today in this video we are starting new chapter, chapter number 13, which is the basics of the area and perimeter in D1. So in this book, in D1 maths 7th edition D1, there is only a basics of area and perimeter, the basic overview of area and perimeter जो कि मैं दूंगा, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जब हम D2 पे आएंगे तो एरिया और पैरामीटर, अभी हम 2D शेप्स का करने लगे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 3D शेप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ना, ये शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आप जो है यूनिट्स की कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स की कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप कोई मतलब नेट पे या इधर उधर कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक मीटर में या एक मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या एक इंच में कितने सेंटीमीटर, ये आपको नेट पे हर चीज मिल जाएगी। आफ्टर दैट ये फोर क्वेश्चन फोर पार्ट्स हैं, ये आपके सामने हैं स्क्रीन पे, मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह इसको सॉल्व करूंगा। ये भी बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम चलते हैं हमारे पार्ट ए की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर वो कहता है जी कि 40 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसको हमने सेंटीमीटर्स में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो एक मीटर के अंदर ना क्या होता है कि सबसे पहले आप मीटर से इंचेस देख लें, तो 1000 आई थिंक सो, या 100 इंचेस होते हैं, ठीक है। उन इंचेस के अंदर फर्दर 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इस तरह करके, तो एक मीटर के अंदर जो होता है ना, एक मीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला यही है कि 40 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका 40 मीटर है उसको इक्वल हम कर लेते हैं 40 into 10,000, और ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब हम इसको ये करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 40 मीटर स्क्वायर को जब हम करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये 400,000, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आगे आप लोग के काम आनी है, तो आगे जब मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं तो ये काम आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बी पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। बी पार्ट पे वो कहता है जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने जो आपका 16 मीटर स्क्वायर है ना, इसको डिवाइड कर देना है 10,000 से, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, क्योंकि अब हमने पहले हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर जो है ना एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए जब बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मगर अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है और मीटर एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपने क्या करना है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपने सिंपली जितने जीरोस लगे हुए हैं उतना पॉइंट पीछे ले जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जैसे 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है तो ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, और ये जो है फिफ्थ वन 1 है, ठीक है। आपने 1 तक जो है ना वो अपना पॉइंट लेके जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर से आता आता 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0016, ठीक है। और जब आप
इसको मैं कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। ये देखें कि जब आप 16 को डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आपका इक्वल आ जाएगा 0.0016, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेटर को भी हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, ये साइड से भी हल्का सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ। हाँ अच्छा जी, अब आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना आ गया, सेंटीमीटर से मीटर में जाना आ गया। अब सी पार्ट में वो कहता है कि 0.03 मीटर स्क्वायर जो है उससे आपने सेंटीमीटर्स में जाना है, ठीक है। अब मीटर एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा है, तो जब आप बड़े से छोटे में जाओगे तो ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 0.03 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये देखा ना, ये जीरोस हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने बोला है डी पार्ट में कि 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में करना है। अब हमने छोटा है सेंटीमीटर, उसको उससे बड़े में जाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो 28,000 है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है। तो ये तीन जीरोस तो इन तीन जीरो से कट गए और बाकी 2.8 जो है वो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो थी, मैंने जैसे वीडियो के लास्ट में भी बताया कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी। इसके अंदर मुझे सिर्फ आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बताना था कि यूनिट को कन्वर्ट किस तरह किया जाता है, और मेन चीज इसके अंदर जो मैंने आपको समझानी थी ना वो मैं इधर लिख देता हूँ। जब भी आपने एक लार्ज यूनिट से, ठीक है, जाना होता है स्मॉल यूनिट की तरफ, ठीक है। जब आपने एक लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाना होता है, जैसे आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जब आपने स्मॉल यूनिट से, ठीक है, जब आपने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाना होता है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे सेंटीमीटर से मीटर में अगर आपने जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको सिखाना था वो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको एरिया और पैरामीटर्स स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वी विल सून मेक आवर नेक्स्ट वीडियो।